Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about tenses. Today's topic is future continuous. ठीक है, आज अपन टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. अपना टॉपिक चल रहा है टेंस का, तो प्रेजेंट कंप्लीट पढ़ लिया, पास्ट वाला भी कंप्लीट पढ़ लिया, और फ्यूचर का सिंपल वाला जो है वो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, आज का अपना टॉपिक जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, अब देखो हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस लिखा है तो कैसे पता चलेगा. तो देखो हिंदी वाक्यों में जो वर्ब है उस वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे. कहने का मतलब क्या है कि इस टेंस में ऐसे कार्यों का वर्णन होगा जो फ्यूचर में जारी रहेंगे. ठीक है, विभूत काल में किसी समय से शुरू होकर जारी रहेंगे. शुरू होने का समय अपने को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उस समय या वो काम जो है वो जारी रहेगा. तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी रहेंगे उनको बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, अब देखो अपने पास जो है एडवर्ब्स तो फ्यूचर मार्कर वाले हैं. जो प्रेजेंट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है उसमें फ्यूचर मार्कर आ जाए, टुमारो आ गया, या इससे पता चले काम फ्यूचर में होगा तो वो अपने काम आएगी इसमें. ठीक है, अब देखो अब अगर अपन बात करें कि हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब का डिस्कस कर लेते हैं. विल या शैल आएगा सबसे पहले तो. ठीक है, और इसके बाद जो है बी आएगा. अब विल का प्रयोग किसके साथ होगा, शैल का प्रयोग किसके साथ होगा, ये अपन ने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ लिया है. फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आई और वी के साथ तो लगेगा शैल, बाकी जो है ही, सी, इट, यू, दे, और चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा. ठीक है, तो ये अपना रह गया हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में किसके साथ क्या लगना है, तो इसकी तो डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो भी विल लगेगा तो विल भी हो जाएगा, सेल लगेगा उसके साथ सेल भी हो जाएगा, बी तो दोनों के साथ कॉमन है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं देखो स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, इसके बाद अपन लिखेंगे विल या सेल, इसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसी प्रकार से अपना नेगेटिव सेंटेंस बनेगा. तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल या सेल, इसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसी तरीके से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे विल या सेल. ठीक है, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आएगा. तो ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपना जो है सेंटेंस को बनाने का. ठीक है, अब देखो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं अपन कि भाई इसमें किस तरह के सेंटेंस बनेंगे. तो जिस भी हिंदी वाक्य में सेंटेंस के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो जो है इसी टेंस का सेंटेंस होगा. जैसे अगर मैं कहूं कि भाई रमेश फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमेश विल बी प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव क्या हो जाएगा, रमेश विल नॉट
प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसके बाद देखो, विल रमेश बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, समझ में आया। अब देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो रमेश सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आया। इसके बाद विल या सेल में से एक आएगा तो रमेश के साथ विल आएगा। उसके बाद बी लिखना है तो बी लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जुड़ गया तो प्लेइंग हो गया और ऑब्जेक्ट अपना फुटबॉल है। इसी प्रकार से देखो नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट अपना रमेश है, विल लग गया विल सेल में से, नॉट अपने यहाँ लगा दिया, बी अपने एज इट इज लिख दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है तो प्ले के साथ आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें देखो इंटरोगेटिव विल या सेल सबसे पहले आएगा तो विल अपन ने पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट आएगा तो रमेश लिख दिया, फिर बी तो बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से अपन सेंटेंस बनाएंगे, अपना जो ये स्ट्रक्चर है इसको अपने को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और सेंटेंस अपन देख लेते हैं कि भी सेंटेंस दूसरा बनेगा तो दूसरा सेंटेंस क्या बनो। हम टीवी देख रहे होंगे, ठीक है, हम टीवी देख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, वी सेल बी वॉचिंग, वी सेल बी वॉचिंग टीवी। दूसरा क्या हो जाएगा, वी सेल नॉट बी वॉचिंग टीवी। और तीसरा क्या हो जाएगा, सेल वी बी वॉचिंग टीवी। अब देखो एक बार इस स्ट्रक्चर से आप खुद इसको मिलाओ कि वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ठीक है। एक बार आप खुद डिस्कस कीजिए इसको, मिलाइए स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भाई वो सेंटेंस के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो वी आ गया, विल या सेल में से वी के साथ सेल लगेगा, बी आ गया, वॉच फर्स्ट फॉर्म होती है तो वॉच के साथ आईएनजी और टीवी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है बन रहा है। तो अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग जो है इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे। आप इस तरह से कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एक और सेंटेंस बना लेता हूँ आपके लिए कि भाई यहाँ अगर अपन लिखे हैं कि भाई पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, तो इसका सेंटेंस का यह क्या होगा, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। और इंटरोगेटिव हो क्या हो जाएगा, विल बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से आप इसको मिला सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग हम करते हैं ऐसे वाक्यों को बताने के लिए जो भविष्य में जारी रहेंगे, ठीक है। तो इन सेंटेंस को बताने के लिए अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो आज जो है आज के सेशन में अपन ने इस टेंस के बारे में डिटेल से चर्चा की कि
ये आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से आप भी जो है 8 से 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करें। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।